नमस्कार दोस्तों, जेके इसी के लाइव सेगमेंट में रूहानी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक ऐसे ट्रस्ट के बारे में बात करूंगी, वुमेन क्लब मेरी पहचान, यानी कि एक ऐसा क्लब बनाया गया जहाँ पे वुमेन्स को जस्टिस देने की बात की गई है, जहाँ पर उनके अपनी वॉइस उठाने की गई है, जहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं। तो एक अकेली औरत ने जिम्मा उठाया है कि मैं कुछ भी करूंगी दूसरी औरत को इंसाफ दिलाने, और वही हमारे साथ मौजूद है जो चेयरपर्सन है मैम, हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे और जानेंगे इस ट्रस्ट के बारे में, उनके मोटिव के बारे में, और ये जो एक कॉन्सेप्ट है या ये इंस्पिरेशन है अबाउट कि किस तरह ये इंस्पिरेशन उनको मिली कि अदर वुमेन आल्सो नीड जस्टिस। मैं यही उनसे एक सवाल करूंगी। वेलकम टू जेके एसी मैम। थैंक यू। तो सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस ट्रस्ट को बनाने का, ये कहाँ से आपको कॉन्सेप्ट आया और इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मुझे लगता था कि औरतों उनके खुद की, जो मैंने नाम रखा वुमेन क्लब मेरी पहचान, मेरी पहचान का मतलब हो गया कि हर एक इंसान की खुद की एक पहचान होनी चाहिए। मेरा मकसद है लेडीज़ के ऊपर अनजस्टिस होता है उसके खिलाफ लड़ना। मेरे को लगता था कि औरतों के ऊपर बहुत जुल्म होते रहते हैं, औरतें बेचारी डर के मारे बाहर नहीं निकलती है, अंदर रहती है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। इवन उनको यहाँ तक अंदर, मतलब उनके खुद के पेरेंट्स, उनके भाई, उनके रिश्तेदार उनको आगे आने से मना कर देते हैं कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, इंसल्ट हो जाती है। तो मुझे लगता था कि नहीं, मैं औरतों के लिए ऐसा नहीं होने दूंगी, कोई भी औरत के ऊपर जुल्म नहीं होगा। बहुत सारे पेरेंट्स जब भी उनके घर औलाद परेशान हो जाते थे कि अरे लड़का पैदा क्यों हुआ, लड़कियां पैदा हुई हैं। तो मैं उन पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि आप देखिए, ये जो वृद्धाश्रम बने हैं ये बेटों नहीं बनाए आपके लिए, तो बेटियां चांद के ऊपर पहुंच के आपके साथ सपोर्ट कीजिए, आप उनको बेटा बन के उनके साथ दीजिए, तो बेटियां जो है बहुत नाम कमा सकती हैं। आज भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि 2-3 दिन पहले बेटी ने मुझे फोन किया कि आप संध्या माँ बोल रही हो? मैंने कहा हाँ। तो उसने बोला कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं, हमारी 4 बहनें हैं, मेरे फादर जो कह रहे थे कि मैं नहीं पढ़ा सकाऊँ, तो क्योंकि बाप की बेटी है, बाप और माँ ऑलरेडी बीमार रहते हैं, उनको खुद के पैसे नहीं इलाज कराने के लिए। तो मैंने उसको बोला बेटी आप पढ़ोगे, मुझे कुछ भी करना पड़ेगा मैं पढ़ाने के लिए, तुम्हें कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी पूरे साल की फीस दूंगी, पर तुमने मुझे प्रॉमिस करना है कि अपने पेरेंट्स का जो है वो नाम ऊँचा करना है। आज वो लोग मेरे पास आए थे, मैंने उनकी फ़ीस जमा कराई, वो एक होप से गई, उसके फादर की आंखों में आंसू देखे, मैंने उनको समझाया, मैंने कहा आप सारे मिल के ऐसा करिए कि बेटा 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 को बेटा बना के देखिए, आप खुद सोचिए। आप, उन्होंने बोला नहीं मैम, मैं अकेला लड़का, 4 बहनें थी, हम मैंने सारा उनके ऊपर मतलब जिम्मेवारियाँ अपनी निभाई हैं, तो आगे से फिर मेरी 4 बेटियाँ हो गई। तो वो दर्द जो था माँ बाप के सिर आंखों है कि जब बेटी पैदा हो जाती तो ये दर्द क्यों दिखता है, बेटा क्या कर रहा है, बेटा आप देखो समाज को, मुझे नहीं लगता आज के बेटे ऐसा कर रहे हैं जो बेटियां नहीं कर रही है। तो मैंने बीड़ा उठाया है बेटी को उनका हक दिलाने के लिए, माँ को उनका हक दिलाने के लिए, औरत को उनका हक दिलाने के लिए। अभी पीछे भी एक ऐसा एपिसोड हुआ कि मुझे किसी लेडी ने फ़ोन किया कि मेरे ऊपर इतना जुल्म हो रहा है माँ, संध्या माँ, उसने चोरी से फ़ोन किया था कि माँ मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक बेटी है एक बेटा है, मेरे को ससुराल वालों ने 2 साल से अंदर कैद रखा हुआ था, मैं क्या करूँ, मैं बाहर निकलना चाहती हूँ पर मैं लड़ना चाहती हूँ, मैं कोर्ट में भी गए, केसेस भी करवाए, वहाँ पर कहीं पर भी मेरी सुनवाई नहीं होती है, तो मैंने आपका नाम सुना, मैं एक होप से आपको फ़ोन कर रही हूँ। जब मैंने उसकी दर्द भरी कहानी सुनी, मुझे, मैं सो नहीं पाई रात को, मुझे लगा इतना दर्द, इतना एक माँ के लिए इतना कुछ क्यों हो रहा है इस समाज में, जो माँ, जो हमारी जननी है, जिसने ये सृष्टि बनाई है, जो संसार पैदा किया है, माँ ही तो है जो आज ये संसार बन पाया, उसी माँ के साथ इतना दर्द, इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। मैंने उसको बोला कि बेटा आज के बाद आप कहीं पे भी जाओगे, ये माँ आज आपको दोनों, आपके दोनों बच्चों के साथ एडॉप्ट करेगी, मैं आपके बच्चों को पढ़ाई करवाऊंगी, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराऊंगी, मैं तुम्हें अच्छा घर लेके दूंगी, मैं अपने पास तुम्हें काम पे रखूंगी, आज से तुम मेरी बेटी हो। मेरे को भी बहुत शौक, भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी, मेरे को एक बेटी मिल गई, और मैंने उससे प्रॉमिस किया कि कोई भी आज के बाद पूछेगा कि आप कौन हो, आपने अपना नाम फ़खर से लेना है कि मेरा नाम निशा संध्या गुप्ता है, और मैं उसको एडॉप्ट कर चुकी हूँ। जिन दादा की से
कि एक दिन आएगा उसके अंदर जो हुनर है मैंने उसको पहचाना है, वो हुनर मैं बड़ी जल्दी लोगों के सामने लाना चाहती हूँ कि देखो ये है हमारे जम्मू की शान, ये बेटियाँ देखो जो कर सकती हैं वो कोई भी नहीं कर सकता, और एक दिन आएगा जब दुनिया उसका हुनर देखेगी, उसी के जिन लोगों ने उसको सताया हो, जो हस्बैंड जो सास जो बहू मतलब जो ननद जिन लोगों ने उसके साथ ऐसे जुल्म किए, वो उनके पाँव में पड़ के माफ़ी नहीं मांगी तो मैं भी संध्या गुप्ता नहीं। मैं जिधर जिधर होगा मैं लड़कियों के माओं के और बहनों के हक में आगे तैयार हूँ, और मैं ड्रग्स के खिलाफ भी बहुत लड़ाई कर रही हूँ। यूथ जो है वो ड्रग्स से पढ़ चुका चाहती हूँ, जैसे आज इन्होंने बच्चों ने एक इनिशिएटिव लिया है ड्रग्स के ऊपर, समाज आगे आ चुका है, सिर्फ उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और ये संध्या गुप्ता हमेशा हमेशा हर किसी के साथ जुड़ी हुई मिलेगी, जहाँ अच्छे काम होंगे वहाँ संध्या गुप्ता हाजिर रहेगी। थैंक यू। अलास्क अबाउट राइट टू इक्वालिटी की बात की जाती है हर बार कि मेल एंड फीमेल आर इक्वल इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, बट कहीं ना कहीं आज भी एक मेंटालिटी है, नैरो माइंडेडनेस है कि आज भी लड़कियों को कम समझा जाता है, जबकि हर फील्ड में लड़की आगे है। तो एज अ वुमन योर सेल्फ, व्हाट्स योर मैसेज फॉर दी अदर वुमेन जो इनजस्टिस तो सह रही हैं लेकिन आवाज़ नहीं उठा रही हैं? तो आप एक आवाज़ बन के उनके सामने आई हैं, बट आप क्या मैसेज रहेगा कि किस तरह से आवाज़ उठी? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि इनजस्टिस होते हुए मेल हमेशा डोमिनेट करता रहा, वुमेन को पिस रही, औरतें सिर्फ अपने करेक्टर को लेके बड़ी पॉजिटिव रही हैं, मेल के पास एक ही वर्ड होते हैं यूज़ करने के लिए, वो गंदे वर्ड यूज़ करते हैं, जिसके कारण औरतें जो हैं वो बेचारी बड़ी शर्म महसूस करती है कि जो हमारे ऊपर ये लोग वर्ड गंदे यूज़ करते हैं हम समाज में कैसे मुंह निकालेंगी, लोग हंसेंगे, ये हमारा जो परिवार है हमारे जो रिलेटिव है जो वो उनको पता चला तो वो क्या करेंगे। बड़ी बड़ी अच्छी लेडीज़ को मैंने देखा पिसते हुए। आज भी समाज में वही मतभेद है औरत एंड मर्द। मैंने अभी परसों, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी, एक मेरे को कल ही किसी फंक्शन में बुलाया गया, वहाँ हमें आगे बिठाया गया लेडीज़ को कि प्लीज़ आप आगे आके बैठिए। इतनी देर में जैसे ही जेंट्स लोग आए उन्होंने बोला, जो ऑर्गेनाइज़र थी, आप पीछे जाके बैठ जाइए, यहाँ पे जेंट्स बैठेंगे। तो क्यों, ऐसा क्यों है? हम लेडीज जब आगे बैठी हुई हैं तो जेंट्स क्या पीछे नहीं बैठ सकते हैं? क्या क्या है जेंट्स, वो क्या कर रहे हैं कोई समाज के लिए? क्या वो खास कर रहे हैं जो औरतें नहीं कर रही हैं? अगर एक आपका एक फंक्शन हो रहा है जिसमें औरतें बढ़ चढ़ के भाग ले रही है, फिर यहाँ पे मतभेद किया गया कि पुरुष और औरत के लिए, कि औरतों को उठा के पीछे किया गया। और वहाँ पे मैंने देखा दो लेडीज़ बेचारी, एक तो ओल्ड लेडी थी, एक कोई ऑफिसर की लेडी थी, वहाँ पे जब गैप था चेयर्स के बीच में, उनका पाँव अटका, उनको चोट भी आई, तो ये कहाँ का इंसाफ है? मेरे को उस ऑर्गेनाइजर लेडी से ये पूछना है, तुम एक औरत होके ऐसा कैसे कर सकती हो कि हम औरतों को, चलिए जी आप पीछे बैठिए, मर्द लोग आगे पुरुष आगे, तो ये आगे लाइन में बैठेंगे। मैं ऐसा बदलाव लाना चाहती हूँ, मैं अपनी बहनों से ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा आप कभी नहीं होने देंगे। कभी भी आपको ये लगेगा कि हाँ औरत पीछे बैठनी चाहिए तो आप आगे आइए, आप अपने हक के लिए लड़िए कि नहीं, औरत आज के बाद मर्दों के सामने बैठी हुई नज़र आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे जो बाकी जो भाई बंधु हैं, वो अपने बच्चों को एक जैसा समान रूप से पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, वहाँ उनको कोई, उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी एक जैसी परवरिश में, तो समाज कौन होता है फिर उनको साथ मतभेद करने वाला? तो इसलिए मैं इसके खिलाफ हमेशा रहूँगी, रहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये जो समाज में एक बदलाव आए। मुझे लगता है कि यूथ आगे आ चुका है, आप देखो कितने सारे बच्चे जो हैं कैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जो लहर आई है मुझे लगता है कि बहुत जल्दी समाज में सुधार आने वाला है। और ये सो मच। तो मैम ने कहा टाइम हैज कम कि वक्त आ चुका है, लहर आ चुकी है, बस थोड़े बदलाव की जरूरत है। राइट टू इक्वालिटी की बात की जाती है हर वक्त, लेकिन आज भी कुछ ऐसी ताकतें हैं हमारी समाज में जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं बिटवीन टू जेंडर्स। तो ये कब तक रहेगा? अगर एक जो है वो घर भी चलाती है, एक लीडर भी है, एक पायलट भी है, एक मैं कहूँगी डांसर भी है, हर एक स्फीयर में, हर एक फील्ड में उसने अपना नाम रोशन किया है, तो कब तक जो कुछ लोग हैं, कुछ आते हैं, उनको ये करते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि लड़की जो है लड़कों से कम है? तो ये तब तक ही चलता रहेगा जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी। और जब इन्होंने मुझे एक बात बताई, आई गॉट अ फीलिंग ऑफ, मैं कहूँगी अपनापन मुझे महसूस हुआ कि जब किसी के नाम माँ लगता है तो एक्चुअली
फीलिंग आती है अपनेपन की, तो जब इनको कॉल आई और इनको किसी ने कहा, तो इंसान ने इसी विश्वास के कॉल किया था कि मेरी माँ के साथ मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर एक ऐसी औरत आवाज़ उठा सकती है तो आप क्यों नहीं उठा सकते? सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत।